बीते दिनों जालंधर की मॉडल टाउन जोहल मार्केट के चौक पर स्थित मशहूर चाट की दुकान बिट्टू परदेसी पर दो दिन पहले ग्राहक ने चाट से छिपकली निकलने का आरोप लगाया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो खूब वायरल हुआ। अब जिसे लेकर सेहत विभाग की ओर से कड़ा संज्ञान लेते हुए बीते दिन शाम को बिट्टू परदेसी की दुकान पर दबिश दी गई। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर डॉक्टर सुखविंदर सिंह के निर्देशों पर फूड सेफ्टी अफसर रशु महाजन ने टीम को साथ लेकर इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए चटनी और पापड़ी चाट के सैंपल्स भरे हैं। फिलहाल रिपोर्ट आने के बाद अगली कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन बीते दिनों जोहल मार्केट स्थित बिट्टू परदेसी की दुकान से जो है वो एक ग्राहक की ओर से चाट खरीदी जाती है, जिसके बाद ये आरोप लगाया जाता है। बाकायदा वीडियो भी सामने आया था जिसमें उनका आरोप था ग्राहक का कि चाट से जो है वो छिपकली निकली है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ ये वीडियो, जिसके बाद अब सेहत विभाग की ओर से दबिश दी गई है। आप भी डालिए जालंधर केसरी के लिए सुनील महाजन की इस रिपोर्ट पर एक नजर। भाई बिट्टू परदेसी तो होने पर थोड़ी देर पहला एक चाट ले गए सी। हां जी, ए विचो मेरी एक छिपकली निकली है। आ देखो सी नाल लेके आए हैं, घर दे बच्चे हैगे साडे छोटे, असीं खान लगे सी विचो न्याणे जिद्दां खापां दे के फटाफट दियो विचो ए काम निकलिया हैगा। अच्छा, उस तो बाद इस मार्केट दे एसोसिएशन दे कोई प्रेजिडेंट होणगे इलेक्ट्रिकल वाले हैगे इत्थे कोई, हां जी ने इहदा जिहड़े हैगे आ भजाता सारे। आ देखो एक बार इधर ये छिपकली इहदे विच, हां जी इहदे विचों निकली है जी, आ देखो। ठीक है जी, हां जी ए ए दी प्रेस्टीजियस शॉप है शहर दी, उहदे विच उहदे अगे ए हाल है जी। अच्छा जी, फटाफट दियो विचो ए काम निकलिया है।